हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टाइल विद काजू पेसो। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों साड़ीज का रिव्यू दिखाने जा रही हूँ जिसे मैंने Flipkart से परचेज किया था। सो उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुँचते रहे। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो साड़ी मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया वो मुझे कैसा रिसीव हुआ और मैंने इसका रिव्यू देने के बाद आप देख सकते हो कि आपको लेना है कि नहीं, आपके लिए अफोर्डेबल है कि नहीं। सो अब मैं आपको बारी बारी से दोनों साड़ी दिखाऊंगी। सो पहले आप देख लीजिए कि ये दोनों साड़ी ये रहे। सो अब मैं आपको सबसे पहले ब्लू वाले साड़ी का रिव्यू दिखाती हूँ। सो ये रहा वो साड़ी। सो ये देखिए, ये जो साड़ी है ये फुल मतलब सिंपल है, इसमें कुछ भी डिज़ाइन नहीं है ये, और ये है जॉर्जेट का साड़ी। सो ये देखिए, इसमें कुछ भी डिज़ाइन नहीं है। ये साड़ी मुझे फुल सिंपल रिसीव हुआ क्योंकि अभी ट्रेंड में चल रहा था सिंपल साड़ी, सो इसीलिए मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको लिया। बट साड़ी में जो साइड का जो पार्ट होता है नीचे का या फिर ऊपर का, ये यहाँ पे ये एक लेस लगा हुआ है, ये है आपका ब्लैक कलर में। बट ये जो आप यहाँ पे मोती देख रहे हो, ये मोती मुझे इस साड़ी पे रिसीव नहीं हुआ है, मतलब इस पे साड़ी के साथ में नहीं मिला था, ये एक्स्ट्रा से दुकान से ला के और इसमें लगाया हुआ है। सो आप देख सकते हो कि इसमें साड़ी में पहले से नहीं लगा हुआ था, यहाँ पे हाथ से स्टिच किया गया है ये पूरा साड़ी में मोती, ताकि ये साड़ी को और सुंदर लुक लग सके, मतलब आ सके इसमें साड़ी में, अच्छा लुक आ सके इसके लिए। वरना साड़ी पूरा सिंपल था और इसमें बस ये ब्लैक कलर का लेस लगा हुआ था। सो आप बताइएगा मोती लगाने के बाद इसमें कैसा लुक आया। सो ये रहा देखिए फुल साड़ी, आप देख सकते हो फुल सिंपल है, इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं है, बट ये क्या बोलते हैं जॉर्जेट का साड़ी है। सो आप देखिए, इसमें दिखाने लायक कुछ वैसा नहीं है, ये फुल सिंपल साड़ी है और बहुत अच्छा है। बट एक बात इसका, आप आसानी से इसको वेयर कर सकते हो, हैवी नहीं है, इजी टू वेयर है, आप कहीं भी मतलब झटपट निकलना हो आप फटक से पहनो और निकल जाओ। सो उसके लिए ये साड़ी बहुत अच्छा है। सो अगर आपको पसंद आए तो आप ले सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक और फुल डिटेल वहाँ पर दे दूँगी। और इसके ब्लाउज की बात करते हैं तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका ब्लाउज। सो ये देखिए, इसका जो ब्लाउज है वो यहाँ पे ब्लैक एंड गोल्डन कलर में दिया हुआ है। सो ये देखिए, ब्लैक एंड गोल्डन कलर में इसका ब्लाउज था जो कि नेट का था। बट यहाँ पे इसका आप डिज़ाइन देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे इसका डिज़ाइन उतना फिनिशिंग अच्छा हुआ नहीं ब्लाउज का, बट ऐसा दिया गया है इसमें। देखिए पहनने पर ये फिट नहीं होता है क्योंकि अच्छा से सिला नहीं है इसीलिए। और यहाँ पे ये जो देख रहे हो, इसमें ब्लाउज में नहीं मिला था, ये एक्स्ट्रा से कपड़ा लेके यहाँ पे लगाया गया है और ब्लाउज का जो स्लीव है वो यहाँ पे 3/4 दिया हुआ है। सो ये आप देख सकते हो, और नेक जो है फुल गले में लगा हुआ ऐसे। सो ये आपने देखा इसका ब्लाउज जो कि नेट का कपड़ा था और ये मैंने खुद से यहाँ पे सिलवाया जो कि अच्छा नहीं सिला। सो ये रहा फर्स्ट साड़ी। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका सेकेंड साड़ी। सो सेकेंड साड़ी है यहाँ पे रेड कलर में, जो कि जो मैंने पहले वाला दिखाया जो कि ब्लू कलर में था, सेम प्रोडक्ट है, सेम है दोनों, इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। बस एक चीज़ डिफरेंट है कि इसका कलर रेड है और ये जो लेस है, ये लेस का डिज़ाइन थोड़ा अलग है। सो ये देखिए इसका लेस कैसा है। बट आप ये मत सोचना कि ये जो मोती लगा हुआ है, ये मोती भी मैंने खुद से लगाया, मैंने पहले वाले साड़ी में खुद से लगवाया था, बट ये जो मोती है सेकेंड वाले में रेड वाले में, ये पहले से यहाँ पर मुझे स्टिच मिला था, इसमें कोई मैंने खुद से नहीं किया, आप देख सकते हो। सो ये देखिए साड़ी, इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, दोनों साड़ी तो सेम ही है। सो आप ये देख रहे हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो साड़ी है इसका ब्लाउज। सो ये रहा इसका ब्लाउज जो कि गोल्डन एंड वाइट कलर में, समथिंग वाइट ही है, हाँ वाइट कलर में आता है। सो ये देखिए इसका ब्लाउज, ये भी मैंने सिंपली सिलवाया और क्योंकि साड़ी में मोती था इसीलिए मैंने इसमें भी यहाँ पर मोती लगवाया, आप देखो तो इसमें अच्छा लुक आता है साड़ी का। क्योंकि अगर आपका साड़ी सिंपल है तो ऑब्वियसली आपका ब्लाउज थोड़ा हैवी होना पड़ेगा ताकि साड़ी पे अच्छा लुक आए, वरना दोनों सिंपल होने पे उतना अच्छा नहीं लगता है देखने में। और उसके बाद यहाँ पे जो इसका फीता था उस पर यहाँ पे ये छोटा सा सिंपल सा झुमका लगाया हुआ है, कुछ भी वैसा खास नहीं है। सो आप ओवरऑल देख सकते हो ब्लाउज एंड साड़ी, आपने दोनों देख लिया। सो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगा और साड़ी कैसा है। इसका प्राइस और फुल डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जाके परचेस कर सकते हो, ये दोनों साड़ी फ्लिपकार्ट का है सॉरी। सो आप चाहो तो ले सकते हो और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू।